स्वागत है आपका क्रिएटिविटी लवर्स में। देखिए ये पीछे वाला पार्ट भी मैंने इतना बना लिया है, कार्ड बनाने तक देखिए ये हमारा पूरा हो गया है। और यहाँ पर देखिए मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि मैम जब पीछे वाला पार्ट बनाओगे तो उसकी वीडियो भी हमारे साथ शेयर करना। तो देखिए ये मैंने बॉर्डर के 130 फंदे लिए हैं। इसमें 130 फंदे लेने के बाद आपने अपने हिसाब से देखिए जितना चौड़ा आपने बॉर्डर रखना है उस हिसाब से इसे रख लेना है। उसके बाद देखिए ऊपर मैंने सेम फंदे रखे हैं, इसके जितने ही फंदे यहाँ पर ऊपर आए हैं और अच्छे से हमारा पैटर्न सेट हो गया है। सिर्फ जैसे हमने स्टार्टिंग में देखिए एक स्टिच उतारा था, दो उल्टे फंदे बनाए थे, यहाँ पर हमारे चार उल्टे फंदे आएंगे। चार फंदे देखिए हमारे उल्टे इधर आए हैं, चार ही फंदे मेरे यहाँ पर उल्टे आए हैं, ऐसे चार चार फंदे देखिए ये उल्टे मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। यहाँ से दिखाती हूँ आपको, ये वैसे मेरा पैटर्न चल रहा है यहाँ पर ऐसे। और इसकी लेंथ देखिए मैंने ये वाला जो हमारी देखिए ये एक पत्ती बनती है, ये एक वाला पीस बनता है ऐसे इतना, ये मेरे 20 मैंने रखे हैं मोड़े की कढ़ाई तक, ऐसे 20 पत्तियाँ ये ऐसे मैंने बनाई हैं, इतनी लेंथ रखी है इस बॉर्डर के सने देखिए यहाँ पर काट डालने तक। आपने लेंथ अपने हिसाब से रखनी है। ये मेरी थोड़ी सी हिप से डाउन, थोड़ी सी हिप से नीचे आती है, उतनी लेंथ रखी है मैंने। देखिए अब इस पार्ट को उठा देते हैं और इसके बाद देखिए यहाँ आगे वाले पार्ट में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमने देखिए मोड़े की कढ़ाई कैसे करनी है। यहाँ पर एक पार्ट में देखिए मैंने यहाँ पर मोड़े की कढ़ाई की हुई है, लेकिन यहाँ पर मैंने नहीं की है, यहाँ पर मैं आपके साथ करूँगी इस पार्ट में। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने जब मोड़े की देखिए कटाई की है तो सीधी तरफ से देखिए, ये सीधी तरफ से हमने जब बनाया है देखिए तब मोड़े की कटाई आई है। यहाँ पर देखिए उल्टी तरफ से आएगी, ऐसे उल्टी तरफ से फंदे घटेंगे। देखिए एक बात और आपने ध्यान में रखनी है, जब हमने देखिए ये मोड़े वाली कटाई करनी है तो आपने मोड़े की कटाई तब करनी है देखिए जब हमारा ये वाला देखिए पूरी पत्ती ये कंप्लीट हो जाए। जब देखिए हमने ये चार फंदे बीच में उल्टे पांच सीधे, चार उल्टे पांच सीधे, यहाँ पर आके हमने मोड़े की कटाई करनी है जब नई पत्ती की हम स्टार्टिंग करेंगे। देखिए ये एक रो मैंने उसी की डाली है, इसके बाद ही देखिए मैं यहाँ से इसकी कटाई स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए सीधी तरफ से रो कंप्लीट करने के बाद अब उल्टी तरफ आ गए हैं, अब यहाँ से हमारे फंदे देखिए घटने शुरू होंगे। तो यहाँ से पहले हमने देखिए क्या मैं 4 3 2 1 की कटाई कर रही हूँ। तो यहाँ से देखिए पहले दो फंदों में ऐसे एक साथ सिलाई लेंगे और यहाँ पर दो का एक कर देंगे। अब इस फंदे को वापस डालेंगे इसमें और फिर से दो का एक, दो हो गए, ये तीन और ये चार। देखिए ऐसे चार फंदे देखिए ये घट जाने के बाद जैसे आपका जो पैटर्न है आपने पूरी रो वैसे ही बनाकर अपनी कंप्लीट कर लेनी है। अब पूरी रो देखिए हमने अपने डिजाइन के हिसाब से बना लेनी है। देखिए मैंने सारी रो यहां से बनाकर कंप्लीट की और सीधी तरफ से भी पूरी रो बना ली है। अब उल्टी तरफ से देखिए फिर से हमने यहाँ पर फंदे घटाने हैं, तो यहां तक आ गए हैं। यहां पर देखिए पहले हमने चार फंदे कम किए थे, अब हमने तीन फंदे कम करने हैं। देखिए ऐसे एक साथ देखिए दो फंदों को बनाते हैं तो ये दो का एक हुआ तो एक फंदा कम हो गया। और फिर से देखिए इसे वापस सिलाई में लेंगे और फिर से दो फंदों में ऐसे सिलाई डालेंगे, यहाँ पर फिर से एक फंदा कम हो गया, दो हो गए, और यहाँ पर फिर से एक फंदा कम करेंगे और ये तीन हो गए ऐसे। और बाकी का सारा डिज़ाइन अपने देखिए हमने डिज़ाइन के हिसाब से सारी रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ से उल्टी तरफ से बनाने के बाद सीधी तरफ से भी पूरी रो कंप्लीट कर लूंगी, फिर यहाँ पर आऊंगी। देखिए सीधी रो बनाने के बाद फिर से उल्टी रो में आ गए हैं, तो यहाँ पर फिर अब हमने देखिए यहाँ पर दो की एक, बस दो फंदों को एक साथ बनाया और फिर से दो फंदों को एक साथ बनाया, ये दो का एक कर दिया। और बाकी की रो सारी सेम वैसे ही हमने अपने पैटर्न के हिसाब से डालते जाना है। देखिए यहाँ पर 4 3 2 की एक टाई हो गई है, सिर्फ एक फंदे को कम करना है। अब हमने देखिए ऐसे एक फंदा दो का एक कर देंगे, ये एक फंदे की कटाई होगी। अब यहीं पर देखिए हमने देखिए सारी मोड़े की कटाई कर ली है। उसके बाद देखिए हमने ऐसे ही इसे बनाते जाना है जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। देखिए ऐसे
देखिए ये मैंने कितने इंच बनाया है ये आपको मैं इंची टेप से देखिए मेजर करके बताती हूँ। देखिए यहाँ पर रखेंगे, देखिए 6.5 इंच पूरा, देखिए 6.5 इंच ये आ रहा है हमारा यहाँ से यहाँ तक। देखिए 8.5 इंच देखिए ये हमने रखना होता है, ये मोड़े की कढ़ाई में 8.5 इंच रखूंगी क्योंकि ये वैसे भी मैं ट्रिपल एक्सेल के लिए बना रही हूँ तो 8.5 इंच रखूंगी। अगर आप डबल एक्सेल के लिए बना रहे हो तो भी आप देखिए 8.25 या 8.5 की कढ़ाई करना। अगर आप एल या एक्सेल साइज का बना रहे हो तो देखिए आपने 8 इंच की ये मोड़े की काट रखनी है, तो 8 इंच की बहुत होगी। और यहाँ पर देखिए मैं आज आपको कॉलर नेक की भी हमने गले की कढ़ाई कैसे करनी होती है ये सारा मैं बताऊंगी आपको। तो यहाँ पर देखिए अगर आपने पट्टी के फंदों के साथ कैसे कटाई करनी है और पट्टी के फंदों को देखिए एक्स्ट्रा हमने बंद करने के बाद कैसे कटाई करनी है, और यहाँ पर कांधे के देखिए ये वाले तीरे के हमने कितने फंदे रखने होते हैं ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। पहले हम दूसरे पल्ले में भी देखिए यहाँ तक जैसे मैंने यहाँ तक बुना है वैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बुन लेती हूँ फिर बाद में आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर हमने मोटे की कटाई तो कर ली लेकिन इस पैटर्न को कैसे सेट करना है वो देखिए। यहाँ पर देखिए धागा दूसरी तरफ करेंगे, देखिए ये दो फंदे तो हम देखिए यहाँ से आगे से देखिए ऐसे दो का एक किया, उसके बाद इस फंदे को सीधा बना लेंगे। अब यहाँ पर धागा अपनी तरफ करते हुए जाली डालेंगे और इन फंदों को देखिए यहाँ पर दो का एक करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है तो इन दो फंदों को सीधा और लास्ट के फंदे को हम उल्टा बना लेंगे ऐसे। आपके पास भी देखिए कोई भी आप ये पैटर्न नहीं बना रहे हो जाली वाला पैटर्न बना रहे हो तो उसमें भी आपने ऐसे ही करना है। देखिए यहाँ से फंदे नहीं बढ़ाने हैं, अगर हम यहाँ पर भी जाली डाल देंगे देखिए यहाँ पर जाली डालेंगे तो ये फंदे बढ़ने लग जाएंगे यहाँ पर हमारे, तो हमारी देखिए ये कार्डिगन में ऐसे इधर से फंदे बढ़ जाएंगे इसकी शेप पूरी खराब हो जाएगी। तो हमने क्या करना है इधर से देखिए जाली नहीं डालनी है, यहाँ पर हमने देखिए ये फंदे कम करने हैं तो यहाँ पर एक साइड में मैंने जाली बना ली। अब ऐसे ही ये हमारा पूरा पैटर्न चलेगा। अब यहाँ पर भी देखिए मैंने ऐसे ही किया हुआ है, इन फंदों को देखिए सिंपल ऐसे ही बनाया हुआ है ऐसे। देखिए यहाँ भी मैंने उतनी ही कटाई कर ली है जितनी हमने दूसरे पल्ले में की थी, 6.5 इंच की यहाँ पर देखिए और 6.5 इंच की मैंने यहाँ पर की है, बस इतनी ही आपने कर लेनी है 6.25 इंच 6.5 इंच देखिए इतनी कटाई कर लेंगे। उसके बाद देखिए इन पट्टी वाले फंदों को मैंने अलग सिलाई में देखिए उल्टा उल्टा बना लिया है यहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे, अगर आपने देखिए इस पट्टी वाले फंदों को देखिए कॉलर में नहीं लेना है, कई बार हम कॉलर में बिना पट्टी देखिए इन पट्टी के फंदों को तो बंद कर देंगे, यहाँ पर दो का एक करते हुए आपने बंद कर देना है, लेकिन मैं इन्हें फंदों को कॉलर में लूंगी तो देखिए इन्हें मैं ऐसे निकालते हुए यहाँ पर सेफ्टी पिन में ले लूंगी ताकि हमें बाद में फिर दोबारा से देखिए इन्हें उठाना ना पड़े पट्टी वाले फंदों को। तो हमने ऐसे ही देखिए इन्हें मैंने बंद कर दिया है यहाँ पर ऐसे, देखिए इन्हें बंद कर देंगे और यहाँ से देखिए अब हमने क्या करना है, यहाँ से दो का एक एक हो गया और ये दो ऐसे दो दो देखिए फंदे हर सीधी सिलाई में हमने ऐसे ही कम करते जाने हैं, बाकी की सारी रो हमने देखिए पैटर्न के हिसाब से अपनी बना लेनी है ऐसे, बाकी सारी रो हमने पैटर्न के हिसाब से बनानी है। बस जब हम यहाँ पर आएंगे तो सीधी सिलाई में दो फंदे कम करते जाएंगे, पहले मैं ये पूरी रो बना लेती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ आपको। अब सीधी तरफ देखिए फिर से हमने क्या करना है, यहाँ पर आगे हैं देखिए यहाँ पर पट्टी की आपने निशानी रखनी है यहीं पर एक साइड ही, देखिए गले की हमारी गठाई हो रही है तो यहाँ से ही होगी, तो यहाँ पर हमने फिर से ये एक और ये दो दो फंदे कम कर दिए और बाकी का सारा पैटर्न अपने हिसाब से बनाएंगे। देखिए हमने इस बार देखिए क्या करना है, यहाँ पर अपनी जाली नहीं डालनी है, देखिए जाली वाली डिजाइन में हमने ऐसा ही करना होता है। यहाँ पर हमारे देखिए इस पैटर्न के हिसाब से बताऊं तो यहाँ पर देखिए एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा, यहाँ पर हम दो का एक करते हैं और सेंटर में जाली डालते हैं तो फंदे देखिए सेम उतने ही हो जाते हैं जितने हमारे जाली से फंदे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर फंदे हमारे कम हो रहे हैं।
लेकिन इधर हम जारी डालेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कम होने के लिए कोई फंदा नहीं है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे, तो गले की हम घटाई क्या करेंगे, वो शेप ही नहीं आएगी। तो आपका कोई भी देखिए, आपका जो भी जाली वाला आपका पैटर्न हो तो आपने उसी हिसाब से उसे सेट करना है। हमने इस तरफ देखिए अब जाली नहीं डालनी है, मैं सिर्फ इस तरफ जाली डालूंगी क्योंकि अभी हम देखिए यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। तो इस पैटर्न को देखिए मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर सकती हूँ। जब ये वाले फंदे देखिए कम होने आएंगे तो देखिए यहाँ पर भी मैं जाली डालना देखिए बंद कर दूंगी। ये इसी हिसाब से हमने पैटर्न को देखिए सेट करना है। तो पहले देखिए ये रो बना लेती हूँ, उसके बाद उल्टी तरफ से, फिर सीधी तरफ से मैं आपको दोबारा से देखिए यहाँ पर आऊंगी। अब सीधी तरफ आ गए हैं, यहाँ पर फिर से हमने अपने दो फंदे घटा लेने हैं। देखिए हमने ऐसे ही देखिए दो दो फंदे करते हुए घटाते जाना है। हमने फंदे देखिए तब तक घटाने हैं जब तक यहाँ पर देखिए हमारी ये मोटी वाली घटाई पूरी नहीं हो जाती। मैं ये 8.5 इंच की घटाई रख रही हूँ, तो अगर आप देखिए XL और L साइज के लिए बना रहे हैं तो 8 इंच की घटाई रख लेना आप, मैं 8.5 इंच की। बाकी गले में देखिए ऐसे ही हमने दो का एक दो का एक दो दो फंदे आपने कम करते जाना है। यहाँ पर 2 या 2.5 इंच की काट होती है हमारी, देखिए ये काट हमारी इसके साथ ही पूरी हो जाएगी और यहाँ पर भी फंदे हमारे उतने ही पूरे हो जाएंगे। देखिए ऐसे अगर आपको ऐसा लगे, देखिए ये वाले देखिए हमारे फंदे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, पूरे हो गए हैं, और हमारी देखिए यहाँ पर ये घटाई भी आपने फिर यहीं पर बंद कर देनी है, और ये वाली मोड़े की काट अगर नहीं पूरी हुई है, आपके ये वाले फंदे कंप्लीट हो गए हैं, तो यहाँ से आपने घटाना बंद कर देना है और आपने वैसे ही कंटिन्यू देखिए अपना डिजाइन डालते हुए थोड़ा सा और बना लेना है जब तक ये वाली घटाई हमारी पूरी ना हो जाए। और देखिए मैं इसमें देखिए जो हमारी देखिए 3 प्लाई वूल होती है उसमें हम देखिए 35 फंदे तक रख लेते हैं, और हमारी जो ये वर्धमान की वूल होती है उसमें 40 फंदे तक रख लेते हैं हम। मैं बना तो देखिए वर्धमान की वूल से ही रही हूँ, लेकिन मैं रखूँगी 35 फंदे यहाँ पर, ऐसे 35 फंदों में अच्छी सी हमारी फिटिंग आ जाएगी, तो मैं 35 फंदे ही रखूँगी और ये मैं फंदे ऐसे ही घटाती जाऊंगी जब तक ये काटना पूरी जाए। इसे आगे कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ऐसे मैंने गले गले की देखिए ये घटाई हमने ऐसे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे पास देखिए सिलाई में पूरे 36 फंदे रह गए हैं, और यहाँ पर भी देखिए मैं आपको इंची टेप से एक बार मिल के दिखा देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक पूरी देखिए हमारे पास 8.5 इंच की ये मेरी घटाई हुई है। ऐसे ऐसे ही देखिए हमने दूसरे पल्ले की भी घटाई कर लेनी है, ये वाली की दूसरी साइड की भी गले की ऐसे ही घटाई करेंगे। देखिए उधर से हमने देखिए सीधी तरफ से देखिए ये हमने करना स्टार्ट किया था, और इस साइड में देखिए हमारी रॉन्ग साइड से स्टार्टिंग होगी। और पहले हमने देखिए इस बटन पट्टी के फंदों को देखिए इन्हें उल्टा उल्टा बना लेना है। दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13, इन 13 फंदों को देखिए जैसे हमने उधर से सेफ्टी पिन पर फंदे उतारे थे, इन फंदों को भी हम सेफ्टी पिन में ले लेंगे। सबसे पहले अब देखिए इन फंदों को मैंने ऐसे सेफ्टी पिन में ले लिया है। अब यहां से हमने फंदे देखिए कम करना स्टार्ट कर देना है, ऐसे दो का एक करते हुए, ऐसे दो का एक करेंगे, फिर से दो का एक, और उसके बाद देखिए पूरी रो हमने ऐसे ही सीधी और उल्टी तरफ से डाल लेनी है, फिर उल्टी तरफ आएंगे, फिर से दो का एक करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया है जब तक हमारे पास इतने फंदे ना रह जाएं और यहाँ वाली काट देखिए मेरी 8.5 इंच ना हो जाए, तब तक देखिए सेम मैंने वैसे ही हर बार देखिए उल्टी तरफ से, जैसे हमने यहाँ पर दो का एक किया है वैसे ही दोबारा देखिए ये उल्टी रो पूरी बनाएंगे, सीधी बनाएंगे, फिर से यहाँ पर आएंगे और दो का एक करेंगे। ऐसे ही हमने दोनों तरफ से गले की अपनी घटाई ये कर लेनी है,
ऐसे। और उल्टे पल्ले में भी देखिए, ये वाला मैं यो पोर्शन बना रही हूँ, पिछले वाला पल्ला बना रही हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर जो कटाई करूँगी, यहाँ भी हमने 4 3 2 1 की कटाई करनी है। जैसे मैंने आगे वाले पार्ट में कटाई की है, वैसे ही मैं पीछे वाले पार्ट में भी कटाई करूँगी। और इसके बाद देखिए जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, उसमें मैं आपको बताऊँगी कि ऊपर हमने देखिए यहाँ पर मोटे वाले ये वाले पोर्शन को कैसे अटैच करना है, तीरे वाले फंदे हम कैसे जोड़ेंगे, और कॉलर के कितने फंदे हमने उठाने हैं, और यहाँ पर देखिए मोड़े की शेप में कैसे हमने यहाँ पर मोड़े में ऐसे बॉर्डर बनाएंगे। तो ये सारी वीडियो मैं आपके साथ अगली वीडियो शेयर करूँगी। तो पहले आप इतना कंप्लीट कर लीजिए, मैं भी कर लेती हूँ, उसके बाद देखिए आगे मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, बताने का ढंग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।